वेलकम साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रेकर में। आज जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है सुई की प्यार यानी सुई वाली प्यार। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किसी को भी अपना कमजोर या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको भला ही करेगा। इसलिए इस टॉपिक को पूरा समझे अपने अंदर इंसानियत लाने के लिए। चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा कट गया था, इसलिए हमको फिर से ये रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। इसमें आपको हम छोटी छोटी ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी बताएंगे, ताकि आपको इंग्लिश समझने पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा क्या मदद पहुँचे। चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। आज का ये टॉपिक क्या है? नीडल ट्री, मतलब सुई की पेड़, यानी सुई, यानी जो पेड़ जो सुई देती है वो पेड़ क्या होता है? नीडल। ये एक्चुअली काल्पनिक है, लेकिन फिर भी हमको ये समझाएंगे, ठीक है। देयर वेयर टू ब्रदर्स, यानी दो भाई थे। टू मिस होता है दो, यहाँ पे वेयर इसलिए यहाँ पे थे हो जाएगा, यहाँ पे ब्रदर्स है इसलिए क्या हो जाएगा? भाई। दो भाई थे, द एल्डर वन यानी जो बड़ा था, ठीक है। द एल्डर वन वाज यानी बड़ा था, ऑलवेज मीन टू द यंगर वन यानी छोटे को क्या तुच्छ समझता था यानी बुरा समझता था, ठीक है। द एल्डर वन यानी बड़ा वुड क्रॉप, क्रॉप मतलब क्या था? काटता था। फायर वुड मतलब होता है जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी समझते हैं, जो कि जलाने के काम में जो सूखी लकड़ी होता है उससे क्या जो बड़ा भाई था उसी लकड़ी को काटता था। इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन मिस होता है में, फॉरेस्ट मिस होता है जंगल। और सेल इट इसे बेचता था, बेचा करता था। इन द मार्केट, इन मिस होता है क्या में, मार्केट में होता है बाजार। और उसे क्या करता था? बाजार में बेच देता था। वन डे एक दिन, ही सुमिलटे सुमिलेबेट मतलब ही मतलब क्या तो हुआ, STUMBLED स्टोमलेट मतलब होता है क्या? नज़र पड़ा, ठीक है। अचानक किसी भी चीज़ पे क्या नज़र पड़ता है उसको बोलते हैं स्टोमलेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? नज़र पड़ा। एक्रॉस मतलब कहाँ पे नज़र पड़ा? ए मैजिकल ट्री, एक जादुई पेड़ पर। जादुई पेड़ पर क्या नज़र पड़ा? द ट्री बेग हिम नॉट कट, ठीक है। यानी पेड़ बेग मतलब क्या? अनुरोध किया। ठीक है, पेड़ ने क्या अनुरोध किया? ही मतलब क्या था? उससे पेड़ ने उसे अनुरोध किया, नॉट टू कट नहीं काटने का, नहीं काटने का ही में, पेड़ ने उसे नहीं काटने का उसे अनुरोध किया, ठीक है। और प्रोमिस मतलब वादा किया, ही मतलब क्या था? उससे। और उससे वादा किया गोल्डन एग्स इन एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स होता है बदले, एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? बदले। इन मीन्स होता है मैं, एप्पल मतलब क्या? सेब। गोल्डन मतलब क्या होता है? सुनहरी। और बदले में क्या? सुनहरी सेब देने का वादा किया। द एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई फील्ड डिसअपॉइंटमेंट यानी उसे एहसास हुआ। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है जैसे कि आपको संतुष्ट नहीं है, या फिर उसको कह सकते हैं कि निराशा। उसे क्या? निराशा, उसे निराशा हुआ, ठीक है। विथ द नंबर ऑफ एप्पल यानी बहुत सारे उस पेड़ में क्या बहुत सारे उसमें नंबर मतलब बहुत सारे एप्पल थे लगे हुए, इसलिए उसको देख के क्या उसे निराशा हुआ। विथ मतलब क्या? साथ। नंबर्स ऑफ एप्पल, नंबर मीन्स होता है संख्या, ऑफ मतलब का या फिर कि, एप्पल मतलब क्या था? सेब। यानी सेब की संख्या को देख के उसे क्या एहसास हुआ, मतलब बुरा एहसास हुआ, निराशा हुआ। ही डिसाइड उसने फैसला किया, वह डिसाइड मतलब क्या? फैसला किया, वह फैसला किया कि टू कट डाउन यानी कट डाउन मतलब क्या? काटने का, ठीक है। द ट्री मतलब पेड़, एनी वे मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से उस पेड़ को काटने का क्या फैसला किया। लेकिन ट्री मतलब पेड़, लेकिन पेड़ सोवर्ड मतलब होता है क्या? बोछार करना। लेकिन पेड़ ने क्या बोछार कर दिया, ही मतलब क्या? उस पे।
यानी उससे उसके ऊपर क्या है बौछार कर दिया विथ हंड्रेड ऑफ निडिल, मतलब विथ मतलब होता है क्या सात, हंड्रेड मतलब क्या सैकड़ों, वाप मतलब काया फिर कि निडिल्स मतलब क्या सुई, सैकड़ों सुई से क्या किया बौछार कर दिया। ठीक है, द बॉय लड़का यानी जो लड़का था, ठीक है, वाच मतलब क्या थी, ठीक है, लेफ्ट लेइंग मतलब पड़ा हुआ, ठीक है, वो लड़का क्या था पड़ा हुआ, ठीक है, ऑन द फॉरेस्ट ग्राउंड इन द पेन यानी पेन में यानी दर्द से, ठीक है, दर्द से जमीन पर, ग्राउंड में सोता जमीन, ठीक है, फॉरेस्ट में सोता जंगल, और मतलब क्या था पर यानी दर्द से क्या हुआ जंगल में, वह जमीन जंगल की जमीन में क्या पड़ा हुआ था। ठीक है, हीज यंगर ब्रदर उसका छोटा भाई, फाइनली मतलब होता आखिरकार, आखिरकार, ठीक है, फोन मतलब क्या था ढूंढ लिया है फिर खोज लिया, खोज लिया, ठीक है, ही मतलब क्या था उसे, और केयरफुल्ली मतलब सावधानी से, टुक आउट मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकाला निडिल मतलब होता है सुई, ठीक है, सुई को क्या किया सावधानी से बाहर निकाला। द ओल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई का, बड़े भाई ने, ठीक है, फाइनली मतलब आखिरकार, एपुलाई मतलब क्या था क्षमा मांगा या फिर माफी मांगा। फोर द ट्रीटिंग, फोर मतलब क्या था के लिए, ट्रीटिंग मतलब होता है व्यवहार, हिज ब्रदर ही मतलब क्या था उसके भाई, बैडली मतलब क्या था बुरे, ठीक है, उसके बुरे व्यवहार के लिए क्या माफी मांगा। ठीक है, द मैजिकल ट्री जादुई पेड़ देखा, ठीक है, हीज एक्सचेंज मतलब अदला बदली उसके, ठीक है, अदला बदली को मतलब बदलते या फिर एक्सचेंज मतलब होता है बदला, अदला बदली, उसके अदला बदली करते हुए क्या व्यवहार को देखा। ही डिसाइड उसने फैसला किया, इट डिसाइड फैसला किया, ठीक है, गिव देम उसे देने का, ठीक है, उसे देने का मोर गोल्डन सिक्स और अधिक, ठीक है, गोल्डन एक मतलब होता है क्या सुनहरी सेब। आगे देखे तो अब नैतिक की समझ देखते हैं, ठीक है, काइंडनेस मतलब होता है दयालु, दयालु है, विल बी ऑलवेज यानी हमेशा, ठीक है, विल बी रिवॉर्डेड मतलब क्या आता है, यानी दयालु है वो हमेशा क्या प्रोत्साहन देता है। चलिए इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि अच्छा तो नहीं लगा होगा लेकिन बहुत जल्दी बनाया, चलिए फिर भी।